हेलो नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस नाउ। ये वाला जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके कंपलसरी सेक्शन में आते हैं। पार्ट वन में जो सेकंड क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये आते हैं। तो ये इसलिए आपको करने ज़रूरी हैं। सो मैं एक एक बताती जाऊँगी। बुक में कहाँ मार्क्ड है वो देख लीजिएगा आप लोग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन जो वर्ड है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिविस, है ना। ये हमने पढ़ा था शुरू में ही चैप्टर के, कि लैटिन वर्ड है सिविस, जिसका मतलब होता है समवन हु रिजाइड्स इन अ टाउन। द एग्जैक्ट आंसर यू विल गेट ऑन पेज नंबर 68, ठीक है। पेज नंबर 68 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेम टू एनी टू इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली। कोई भी दो साइट्स आप लिख दीजिए। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो बेस्ट है, नहीं तो कालीबंगन, लोथल और भी बहुत सारे हैं। Why is the Indus Valley civilization sometimes called the Harappan culture? Now this answer is also given on page number 68. Now why is it called Harappan civilization or Harappan culture? Because Harappa was the first city to be excavated in 1921 by Dayaram Sahni. ठीक है, currently it is in located in Pakistan. So it was the first city to be excavated. That is why this whole Indus Valley civilization is also referred to as Harappan civilization or Harappan culture. What is the approximate extent of the Harappan culture? This is given on page number 69. There are different different historians have different views regarding this. जो जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल थे जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके हिसाब से ये जो इनका पीरियड है सिविलाइजेशन का, इट एक्सटेंडेड बिटवीन पीरियड 3250 BCE टू 2750 BCE। सर जॉन मार्शल, जिनकी की गाइडेंस में ये एक्सकवेशंस कैरी किए गए थे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के। देन रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से इट द पीरियड हैज़ बीन प्लेस बिटवीन 2500 BCE टू 1750 BCE। लेकिन अभी ये जो इजिप्ट में जो सुमेरियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस जो फ्लरिश हुई थी, उससे करस्पॉन्ड करता है पीरियड, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद दोज पीपल ऑल्सो सुमेरियंस। तो ये भी मतलब उस चीज़ को टैली करता है, प्रूव करता है। देन मच्योर फेज जो है उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन 2200 टू 2000 BCE। तो अप्रॉक्सीमेट डेट में आपको यही लिखना है। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 60। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट डेट पूछी है पेज नंबर 69 पे, सॉरी। ये जो एक्सटेंट है ना, ये भी पेज नंबर 65 पे दे रखा है। इसमें सॉरी, मैंने आपको इसमें डेट बता दी। एक्सटेंट में आपको ये नहीं देना, एक्सटेंट में आपको देना है कि दे आर स्कैटर्ड इन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और इंडिया में, रोपर इन द नॉर्थ टू द वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी इन द साउथ, एंड फ्रॉम मीरठ इन द ईस्टर्न साइड अपर गंगा दोब जो है, एंड टू द ईस्ट टू द सुक्ता जेंडोर ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ साउथ बलूचिस्तान इन द वेस्ट। तो ये पूरा एक्सटेंट है इनका। गिव एनी टू फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली पीपल। टाउन प्लानिंग इनकी कैसी थी, कोई भी दो फीचर्स पूछें आपसे तो आप कोई भी दो फीचर्स लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 69। लेकिन आप इसमें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे टाउन वॉज प्लान्ड इन द ग्रिड। इनका जो टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड फॉर्म में थी, सर्कुलर नहीं थी, ग्रिड फॉर्म में टाउन प्लान्ड था। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि दे हैड वेरी परफेक्टली बिल्ट पब्लिक बिल्डिंग सच एज सिटाडेल, द ग्रेट बाथ एंड द असेंबली हॉल्स एट्सेट्रा। देन दे हैड द ऑल द स्ट्रीट्स वर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दे हैड वेरी वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं, कोई भी दो फीचर आप लिख सकते हैं। टाउन जो, हाँ एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जो मेन जो सिटी थी वो सिटाडेल था जो, दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द होल सिटी एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन एन रेज्ड प्लेटफॉर्म। और जो लोअर टाउन था वहाँ पे लोग, कॉमन लोग रहते थे। तो ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम एनी वन फीचर ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली पीपल। ये ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पेज नंबर 70 पे दे रखा है। ड्रेनेज सिस्टम का एक फीचर बोला है, तो ड्रेनेज सिस्टम का आप ये बोल सकते हैं, दे हैड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, द ड्रेन्स वर वेल कवर्ड एंड देवर रेगुलर मैन होल्स
to check the to clean them, and every house had a drain which was connected to the main drain on the street, and all the drains of the street were connected to the main drain in the city, and it was carried to the outskirts of the city by a big drain. सो ड्रेन जो छोटे छोटे ड्रेन्स थे हाउस होल्ड के वो अपने आप को स्ट्रीट ड्रेन में एम्प्टी करते थे, स्ट्रीट ड्रेन्स कलेक्टिवली जाके बाहर एम्प्टी करते थे मेन ड्रेन में. हाउ कैन यू से दैट सिविक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल वॉज वेल ऑर्गेनाइज. सिविक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया, दिस इज ऑल्सो गिवन इन पेज नंबर 70. इसमें भी आपको दो पॉइंट्स ही लिखने हैं, दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टू पॉइंट्स आर सफिशियंट. आप ये लिख सकते हैं कि दे लिव्ड इन वेल प्लान्ड टाउन्स, उनके टाउन बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज थे, वेल प्लान्ड थे, दे हैड प्रॉपर स्ट्रीट्स, एंड एविडेंसेस हैव बीन फाउंड दैट दे ऑल्सो हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लैम्प्स, लैम्प पोस्ट हैव बीन फाउंड. देन द सैनिटेशन वॉज वेरी वेरी गुड, दे हैड कवर्ड ड्रेन्स एंड द रबिश वॉज collected and thrown. So all this, any two points you can mention. And travelers के लिए regular inns बनी हुई थी, है ना. और क्या था कि जो ऐसी फैक्ट्रीज थी जिसको हम आज की डेट में फैक्ट्रीज बोलते हैं, जैसे ब्रिक किल्न्स हैं, तो दे वर नॉट सपोज टू बी इन द टाउन इट्स सेल्फ, दे वर सपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द टाउन टू प्रिवेंट पोल्यूशन. सो देवर दोज पीपल वर सच एडवांस्ड पीपल, साइंटिफिक पीपल. You can write any two points. Name two things which throw light on the dress of the Indus Valley people. अब आपके इस chapter में ना dress के बारे में exactly mention नहीं है. Name two things which throw light. अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक जो शॉल क्लैड योगी, जो बियर्डेड मैन का स्टैचू मिला है, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 70. इट ऑल्सो शोज द ड्रेस ऑफ द इंडस वैली पीपल, दैट द मेल वोर धोती एंड अ शॉल और अ धोती और अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट वॉज थ्रोन ओवर वन शोल्डर, एंड द लेडीज वोर अ लोअर धोती एंड अगेन साड़ी सॉर्ट ऑफ क्लॉथ, एंड दे वोर कॉटन मेनली, एंड वुल वॉज ऑल्सो देयर, दे यूज्ड कॉटन एंड वुल बोथ. तो ये आपकी बुक में भी दे रखे, अदरवाइज आप अपने आप दो बना के लिख सकते हैं चीज़ें. नेम एनी टू फीचर्स ऑफ द ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ के बारे में दे रखा है पेज नंबर कहाँ पे दे रखा है, 71 पे. अच्छा, दो फीचर आपसे पूछे हैं ग्रेट बाथ के. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो करते हैं ये वाला काम तब करना जब आपके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन ना हो, कि द ग्रेट बाथ वॉज एक्सकेवेटेड एट मोहनजोदाड़ो, अनअर्थ एट मोहनजोदाड़ो, तो ये वाली चीज़ आपको यूजुअली नहीं लिखनी है, क्योंकि आपसे ग्रेट बाथ के फीचर्स पूछे हैं, मतलब उसकी कोई खास स्पेशलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, ये मत बताइए कि वो कहाँ पे एक्सकेवेट हुआ, कहाँ पे मिला. ठीक है, ये तब बता रहा जब तुम्हें बिल्कुल ही कुछ याद ना आ रहा हो ग्रेट बाथ के बारे में, तब बता. जब कुछ भी याद नहीं होगा तो ये भी याद नहीं होगा कि मोहनजोदाड़ो में मिला था, वो दैट इज़ अनदर थिंग. बट टू फीचर्स ऑफ द ग्रेट बाथ क्या हो जाएंगे, आप एक बता दीजिए कि इट इज़ अ ह्यूज पब्लिक बिल्डिंग जिसमें कि सेंट्रली लोकेटेड रेक्टेंगुलर एक स्विमिंग पूल है, और उसमें दो स्विमिंग पूल के दोनों ओर देर आर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स लीडिंग टू द स्विमिंग पूल, एंड देर आर गैलरीज, रूम्स हैं चारों ओर उसकी, गैलरीज हैं, देर आर रूम सराउंडिंग इट. तो ये आप बता सकते हैं कुछ भी. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 71. नेक्स्ट, mention any one reason why the seals found at the excavations of the Indus Valley are important. Seals important है, बहुत important है. क्यों important है, इन्होंने सिर्फ एक reason पूछा है. This is given on page number 72, लेकिन आप कम से कम दो तीन reason लिख सकते हैं, मतलब एक reason आपको, दो तीन reason आने चाहिए, लिखना एक ही है यहाँ पे. तो reason क्या है कि the seals throw a light on the dress of the Indus Valley people, on the ornaments of the Indus Valley people, on their lifestyle. They also give us a great idea of their religious beliefs. They tell us about their customs. क्योंकि वो जो figures engraved है ना, वो pics हैं जो वहाँ पर, वो किसी ना किसी situation को symbolize कर रही हैं, engraved है. तो they also tell us rather about the physical features of the men and women prevalent in those times. Then they also tell us about their attire. वो कपड़े कैसे पहनते, their clothing, their jewelry. तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं उनसे. So that is why they are very very important, because they are a very valuable source of information of the Indus Valley people.
What evidence is there to establish that the people of Mohenjo-daro had a great concern for sanitation and town planning? Sanitation बहुत important थी उनके लिए, क्योंकि हमें क्या मिली हैं, covered drains मिली हैं, है ना, जो और हर घर से एक ड्रेन निकल रही है और कवर्ड हैं वो, और रेगुलर मैन होल्स बने हुए हैं चेकअप के लिए, चेकिंग के लिए, तो ये हो गया सैनिटेशन। टाउन प्लानिंग का क्या है कि टाउन प्लानिंग जो है उनकी बहुत अच्छे से प्लान थे, टाउन स्ट्रीट्स बनी हुई थी, स्ट्रीट्स के साइड में घर बने हुए थे, ग्रेट पैटर्न पे टाउन प्लान थे उनके, एंड स्ट्रीट्स जो थी दे वर राउंडेड एट कॉर्नर्स, दे हैड इन्स फॉर ट्रैवलर्स, दे हैड पब्लिक बिल्डिंग्स, दे हैड सिटाडेल, दे हैड ऑल दोज थिंग्स। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं कि ये एविडेंस हमें मिले हैं। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर आई बिलीव 70, टाउन प्लानिंग एंड सैनिटेशन, दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 69 एंड 70, ठीक है, 70 एंड 69। ओके, स्टेट एनी वन एविडेंस विच सजेस्ट दैट द इंडस वैली पीपल न्यू द आर्ट ऑफ पेंटिंग। यस ऑफ कोर्स दे न्यू द आर्ट ऑफ पेंटिंग, बिकॉज सो मेनी पॉट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, पेंटेड पॉट्स विच आर ग्लेज्ड पेंटेड पॉट्स, मतलब बहुत हाईली स्किल्ड पीपल थे। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 72। Mention one piece of art in metal which shows the sculpture, that sculpture has reached a high standard in the Indus Valley civilization। वो हमारी जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है उसका स्टैचू जो मिला है वो है हमारा, दिस वॉज वन पीस ऑफ आर्ट का बता रहा है, तो ये हो गया स्टैचू ऑफ अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 71। ओके, देन ये हो गए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं चिल्ड्रन, दीज आर क्वाइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 23 क्वेश्चंस है ये, तो मुझे लग रहा है ये वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा, आप लोग लेंदी वीडियो प्रिफर नहीं कर रहे हैं, तो हम यही 14 क्वेश्चंस पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो जो 23 क्वेश्चंस हैं ये वाले ये ले लूँगी, एंड देन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो टिल देन लर्न वेल, स्टडी वेल, टेक केयर।